जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ 5 अक्टूबर 2021 का उपाय, यानी पितृपक्ष का उपाय। पितृपक्ष को क्या करना है 5 अक्टूबर को, समझ लीजिए। और 6 तारीख को सर्व पितृ अमावस्या है, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वह वीडियो जरूर देखिएगा। सर्व पितृ अमावस्या 6 तारीख को है, जो आप फिर 12 साल बाद आएगी। बहुत बड़ी अमावस्या है 6 तारीख को, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो जरूर देखें। आज मैं अभी बताने वाला हूँ 5 तारीख के पितृपक्ष के उपाय के बारे में। आज सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें थोड़ा आटा बांधें, सफ़ेद वस्त्र लें उसमें आटा बांधें और किसी को दान कर दें, यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। अमावस्या का मैंने वीडियो डाला है, लेकिन अमावस्या का दान क्या होगा वो मैं अलग से आपको ज़रूर बताऊंगा कल, क्योंकि वो मेन दान होता है। तो आज जो है सफ़ेद कपड़े में आटा डाल के आप दे दीजिए, इससे बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा, सुख मिलेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा पितृपक्ष के ये जो आखिरी 2 दिन होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें तेज़ी से आप कार्य करें तो अच्छा रहता है। परमात्मा सबको शक्ति दे सकते हैं, देते हैं, परंतु हमारा शरीर लेता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल सभी पे रिंग आ सकती है, परंतु यदि मोबाइल चार्ज ना हो तो वो नंबर मिलाने पर भी कॉल रिसीव नहीं करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी यदि एक्टिवेट ना हो तो परमात्मा की शक्ति हमारे करीब से होकर गुजर जाए तब भी हमें नहीं मिलती है। तो ये जो उपाय हम बताते हैं इनसे हमारा शरीर एक्टिवेट होता है, और जिस तरह की शक्ति आ रही होती है उस तरह से एक्टिवेट होकर हम उसे ग्रहण करते हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों का प्रतिदिन का उपाय मैं आपको बताता रहूँगा, आप करते रहिए, फिर देखिए कितनी शक्ति आपको आती है। 3 वस्तुओं की एक मैंने वीडियो डाली है, वह 3 वस्तुएं यदि आप अपने निवास पर ले आएँ तो बहुत अधिक शक्ति मिल सकती है। नवरात्रों में वह 3 वस्तुएं ज़रूर लेकर आइएगा। तो अब यहाँ इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और आगे पूरा वीडियो देखिए। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए, इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए, फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए, ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो, हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
ओम।